आज के वीडियो के टॉपिक है सेफ्टी एंड सेफ्टी रूल्स के बारे में। हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना पड़ता है इस चीज आज सीखने के दौरान, हमें क्या क्या चीज़ें नहीं करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें करना चाहिए, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। पहले में आ जाता है आइसोलेशन, मतलब मेक श्योर एवरी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट इज शट डाउन। मतलब कि होता है जब भी आप किसी भी काम में जाए तो आप पे अगर कुछ भी रहता है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो रहता है, या मान लीजिए बल्ब रह गया, या पे फैन रह गया, या पे कुछ मोटर रह गया, तो आप जब भी कहीं पे भी जाए काम के लिए या फिर कुछ भी जाए, तो आपको मेक श्योर करना है वहाँ का जो पावर है वो शट डाउन रहे, ऑफ रहे हमेशा के लिए। आपको यही चेक करना पड़ेगा कि आप जब भी काम के लिए जाए तो वहाँ पे पावर हमेशा ऑफ रहना चाहिए। दूसरे नंबर पर आ जाते हैं हमारे आर्थिंग। आर्थिंग होता है आपको जो आपका जो फेस रहता है उसे उसके साथ कनेक्शन रहता है मिट्टी के अंदर, ताकि जो भी एक्सेसिव करंट रहता है वो बिजली जो रहता है वो ऊपर से जाके फेस से जाके मिट्टी में जाके दफन हो जाए, ताकि आपको किसी भी तरह के इलेक्ट्रिक शॉक से बचा जा सके। तो आपको चेक कर लेना है कि हर जगह की क्या प्रॉपरली अर्थ है क्या नहीं। उसके बाद आ जाते हैं हमारे टूल्स। आपको मेक श्योर करना है जो भी टूल्स हैं हमारे, हो गया मान लीजिए आपका स्क्रू ड्राइवर हो गया, आपका टेप हो गया, कुछ भी रहेगा, हमारे जो सेफ्टी टूल्स हैं वो सब कुछ आपको प्रॉपर साथ लेके आना चाहिए। उसके बाद ज़्यादा अच्छा है सेफ्टी आइटम हमेशा आपको साथ लेना चाहिए, जैसे कि हेलमेट हो गया, आपका ग्लव्स हो गया, सेफ्टी बेल्ट, जिसको ताकि आपको हर जगह से आपको सेफ्टी मौजूद रहे। जब भी आप काम कर रहे होंगे आपको सेफ्टी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि किसी भी एक चूक से कहीं पे भी इलेक्ट्रिसिटी ऐसे बह रहा होगा तो आपको उसी के टच से आपको मतलब बहुत ही डैमेज पहुंच सकता है, आपको मौत भी आ सकती है, बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। तो आपको हमेशा मेक श्योर करना है कि आपको जो सेफ्टी इक्विपमेंट है आपको हमेशा मौजूद रहना चाहिए, और ऐसा मत है ना सब बस लाए, आपको उसे पहनना भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे आइसोलेशन। हम लोग जब भी काम खत्म कर रहे होंगे तो हमें मेक श्योर करना पड़ेगा जो भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, जो भी है, उसे हमको प्रॉपर तरीके से आइसोलेट करना पड़ेगा। मान लीजिए आपने एक इलेक्ट्रिक पोल पे काम किया, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोल पे आपने काम किया, यहाँ पे एक तार छोड़ गया, ठीक है, यहाँ पे आपने तो काम करके चले गए, लेकिन यहाँ पे जो रात में कोई आएगा या फिर कोई जो बेघर रहता है वो आए, मान लीजिए आप वो किसी तरीके से आप वो छू लिए, तो उनको बहुत अच्छी डैमेज पड़ सकती है, उनका बहुत डैमेज हो जाएगा, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे मौत भी हो सकती है। तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा आप टेप से हो या किसी भी तरीके से ग्लू से आप इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को आइसोलेट किए करें। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आ जाता है आपको प्रॉपर नॉलेज डू द वर्क इफ़ यू हैव प्रॉपर नॉलेज अबाउट द वर्क। अगर आपके पास कुछ ज्ञान नहीं है उस चीज़ करने के लिए तो आप बिल्कुल मत कीजिए, आप उसे रहने दीजिए, क्योंकि जान से ऊपर कुछ भी नहीं है। आपको उस चीज़ के बारे में आपको पूरा ज्ञान रहना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए, क्या क्या करने से सही होगा। आप पहले किसी से पूछिए कैसे होता है काम, दूसरों को देख के सीखिए, तब जाके आप काम कीजिए। ऐसा नहीं हो कि आप पहले ही डायरेक्ट जाके चले गए काम पे। तो ये कुछ सेफ्टी रूल्स हैं यहाँ पे, जो आप मानेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी होंगे काम करने के लिए। अगर आप किसी भी सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में जाके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।